नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। शाहरुख खान को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शाहरुख खान को एक शख्स ने धमकी दी है। ये शख्स कोई आम जनता नहीं है बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से ही ताल्लुक रखता है। एक प्रोड्यूसर है, एक डायरेक्टर है, एक एक्टर है। लगातार फिल्मों को अलग ही रूप में प्रस्तुत करने वाले शख्स है। इनका नाम KRK है, हर कोई इन्हें जानता है। आपको बता दें कि कोई भी नई फिल्म आती है तो KRK अपना रिएक्शन देने से बाज नहीं आते। रिएक्शन देते हैं तो कोई अच्छा नहीं, बल्कि हर फिल्म में कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई नुक्स निकालते हुए KRK नजर आते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। KRK ने शाहरुख खान को सीधे चेतावनी दे डाली और कहा कि मैं इस फिल्म को चलने ही नहीं दूंगा। हालांकि आपको बता दें कि हाल में ही उनकी फिल्म जवान रिलीज होने वाली है, जिसे लेकर के KRK ने ये बात कही। क्या है ये पूरी कहानी देखिए इस वीडियो में। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान की सफलता के बाद फिल्म जवान को लेकर के काफी बिजी हैं। कुछ ही महीनों में शाहरुख खान की ये फिल्म रिलीज होने वाली है। फिल्म की रिलीज से पहले ही कमाल आर खान ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। वैसे तो वह कई सारी फिल्मों पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं तो विरोध भी जताते हैं, लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है मानो शाहरुख खान के पीछे KRK हाथ धो कर पड़ गए। दरअसल बैक टू बैक KRK ने SRK के खिलाफ, उनके फिल्म जवान के खिलाफ ट्वीट करने शुरू कर दिए, जिस पर शाहरुख खान की तरफ से भी रिएक्शन आया है। KRK ने कुछ समय पहले ही अपने ट्वीट में लिखा, मैं #DrKRK आज शपथ लेता हूं कि मैं फिल्म जवान को सुपर फ्लॉप कराकर ही दम लूंगा, और अगर मैं इस फिल्म को फ्लॉप कराने में नाकामयाब रहता हूं तो मैं हमेशा के लिए लंदन बस जाऊंगा। @IMSRK को मेरी ओर से ऑल द बेस्ट, यानी कि यहां पर शाहरुख खान को ऑल द बेस्ट कहा है। और इसके अलावा आगे ट्वीट में लिखा कि आज मैं ये कह सकता हूँ कि शाहरुख खान की फिल्म जवान ब्लॉकबस्टर साबित होगी। जनता इस फिल्म को देखने के लिए किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी। वहीं KRK ने ये भी कहा कि एक वीडियो के जरिए वे इस पर बात करेंगे और फिल्म की पूरी कहानी बताएंगे। अब शाहरुख खान की रेड चिली एंटरटेनमेंट ने इस पर रिएक्शन दिया है और KRK के खिलाफ लीगल नोटिस भी जारी किया है। लीगल नोटिस में KRK के एक ट्वीट का लिंक शेयर कर उन्हें चेतावनी दी गई है कि वे इस URL को डिलीट करें। KRK ने इस पर भी रिएक्ट कर दिया। KRK ने शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की तरफ से जारी की गई नोटिस पर रिएक्ट किया और कहा, आज सुबह शाहरुख खान की कंपनी रेड चिली एंटरटेनमेंट ने मुझे लीगल नोटिस भेजा और मुझे जवान पर किए गए ट्वीट्स को डिलीट करने के लिए कहा, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं। उल्टा मैं आज फुल स्टोरी के साथ एक वीडियो भी जारी करूंगा। मैं इस फिल्म को बर्बाद करने के लिए अपना 100% दूंगा। मैं इसके लिए जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले में आगे क्या अपडेट होती है। फिलहाल इस रिपोर्ट तक KRK की ओर से कोई भी वीडियो जारी नहीं की गई है। देखा आपने KRK को लेकर के कैसे यहाँ पर बात सामने आ रही है। KRK ने SRK को इतनी बड़ी धमकी दी, उसके बाद अब एक वीडियो रिलीज करने के लिए भी कह रही है, जिस वीडियो में वो पूरी सच्चाई फिल्म की बताने वाले हैं। हालांकि इस खबर के बनने तक कोई भी वीडियो KRK ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर नहीं की थी। इसके अलावा आपको बताते चले कि यहाँ पर जो एक्शन लिया गया है शाहरुख खान की ओर से, ये अभी लीगल नोटिस के तौर पर है, लेकिन अगर KRK ने थोड़ी सी भी इसमें अपनी ज्यादा कोशिश दिखाने की जरूरत की है कि, या फिर यूं कहे कि ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की, तो ये बात पुलिस पर भी आ सकती है और KRK गिरफ्तार भी हो सकते हैं। फिलहाल बताते चले कि जवान को लेकर के फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में 1, 2, 3 नहीं बल्कि 19 स्टार्स को लिया गया है,
देखिए इस रिपोर्ट में। इस फिल्म के बारे में हम आपको बता दें कि फिल्म काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है। पठान के बाद शाहरुख खान की जवान भी ब्लॉकबस्टर साबित होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि केआरके ने इस पर कुछ भी कहा हो, लेकिन शाहरुख खान के फैंस इस फिल्म को हिट करा करके ही मानेंगे। आपको बताते चले कि शाहरुख खान के फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जवान रिलीज हो और एक बार फिर से पठान की तरह ही पूरे फैंस इस फिल्म को देख करके भी थिएटर में झूम उठे। शाहरुख खान की इस फिल्म में 19 स्टार्स भी नजर आने वाले हैं, जिसे जानने के बाद किंग खान के फैंस की फिल्म को लेकर के एक्साइटमेंट और भी बढ़ सकती है। इन दिनों रेडिट पर फिल्म जवान की पूरी स्टार कास्ट की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये स्टार कास्ट कंफर्म है। इस स्टार कास्ट को देखकर कहा जा सकता है कि किंग खान इस फिल्म में धमाल मचाने की तैयारी कर चुके हैं। बताते चलिए कि तस्वीरों के अनुसार फिल्म जवान में शाहरुख खान के साथ अभिनेत्री नयनतारा, अभिनेता विजय सेतुपति मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। इसके अलावा फिल्म में सुनील ग्रोवर, प्रिया मणि, सानिया मल्होत्रा कॉमेडियन, योगी बाबू लहर खान, अश्लेषा ठाकुर, श्रितुजा शिंदे, आलिया कुरेशी, केनी बसुमती, रिद्धि डोगरा, संगय जाफर, सादिक रविराज, गिरिजा ओक, संचिता भट्टाचार्य और सुखविंदर ग्रेवल नजर आएंगे। फिल्म में ये सभी अपने अलग अलग किरदारों को प्रदर्शित करते हुए नजर आने वाले हैं और सभी का दिल जीतते हुए भी दिखाई देंगे। इतने सारे कलाकार एक फिल्म में आना काफ़ी ज़्यादा खास बना देता है। आपको बताते चले कि फिल्म को लेकर के फैंस की एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई है जब से ये लिस्ट सामने आई है। यानी कि ये फिल्म ना केवल ब्लॉकबस्टर साबित होगी, बल्कि पूरा एंटरटेनमेंट कॉमेडी से लेकर के यहाँ एक्शन तक शाहरुख खान की फिल्म जवान में लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर अगर बात करें केआरके की, तो ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प है कि आखिर केआरके इस फिल्म को फ्लॉप कैसे करवाते हैं। क्योंकि अगर बात करें केआरके की, तो केआरके हमेशा से ही हर फिल्म का विरोध करते आए हैं, लेकिन उनके फिल्म के विरोध करने के बावजूद फिल्म थिएटर में सुपर डुपर हिट साबित होती है। एक लंबे इंतजार के बाद शाहरुख खान दोबारा से जब फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कर रहे हैं, तो फैंस को काफी बेसब्री से इंतजार है कि शाहरुख खान की कोई भी फिल्म आए वो फिल्म देखने से ना चुके। पहले पठान और उसके बाद जवान, एक के बाद एक शाहरुख खान की सुपर डुपर हिट फिल्म होने वाली है। हालांकि जवान अभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन रिलीज से पहले ही जिस तरीके की प्रतिक्रिया यहाँ फैंस की देखने के लिए मिल रही है, ये साफ है कि ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट साबित होगी। आपको बताते चले कि शाहरुख खान ने हाल में ही संसद भवन की वीडियो को अपनी आवाज दी है, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर साबित हो रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी काफी ज्यादा आग की तरह वायरल हुई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वायरल की है। और बताते चले कि इस वीडियो को लेकर के भी शाहरुख खान को खासी अच्छी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। फैंस काफी इस वीडियो को लेकर के उनकी तारीफ कर रही है। एक और शाहरुख खान की फिल्में एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर साबित होना और दूसरी ओर शाहरुख खान की ये देशभक्ति देख करके लोगों का जो एक शाहरुख खान के प्रति प्यार है वो और भी ज्यादा उमड़ करके देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि केआरके ने जिस तरीके की चुनौती शाहरुख खान को दी है कि वो इस फिल्म को फ्लॉप करवा करके रहेंगे, क्या वो इस बात पर खरा उतरते हैं। क्योंकि खुद उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो लंदन में जाकर के हमेशा हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि बॉलीवुड छोड़ देंगे। अगर ऐसा होता है तो यकीनन शाहरुख खान के लिए ये बड़ी जीत होगी और एक बार केआरके को मिलेगी जोरों की प्रतिक्रिया, या यूं कहे कि जोर का झटका, जो कि केआरके लगातार अपनी बातों से दूसरों को एक झटका देते रहते हैं और दूसरों के लिए एक नेगेटिव बातें करते हैं, वो उनके पास वापस आने वाला है। फिलहाल देखना काफी दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले समय में क्या होता है उनके साथ। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहे नेक्स्ट नया लाइफ।